जहां पिथौरागढ़ उपचुनाव प्रचार का आखिरी दिन आज है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज पिथौरागढ़ में प्रचार करेंगे। पिथौरागढ़ में बीजेपी प्रत्याशी चंद्रा पंत के समर्थन में जनसभा करेंगे। पिथौरागढ़ से देवाल चमोली के लिए रवाना हो गए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। लोहाजंग में सांस्कृतिक एवं औद्योगिक और पर्यटन विकास मेले का शुभारंभ भी करेंगे। कार्यक्रम के बाद नारायणबगड़ चमोली के लिए रवाना होंगे। हैतोली चमोली में शौर्य महोत्सव में भी प्रतिभाग करेंगे। तो बता दें आपको, आज पिथौरागढ़ उपचुनाव के लिए आप प्रचार का आखिरी दिन है। ऐसे में इसके अलावा प्रचार करने के अलावा खुद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रचार करेंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिसमें वो शामिल होंगे। मनमोहन इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। मनमोहन, प्रचार का आखिरी दिन आज, खुद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रचार करने उतरेंगे, ऐसे में किस तरीके की तैयारियां नजर आ रही है और इसके अलावा और क्या क्या कार्यक्रम आज सीएम के हैं? देखिए, पिथौरागढ़ चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। कल मुख्यमंत्री लखनऊ में थे और वहां से वो सीधा पिथौरागढ़ के लिए पहुंचेंगे। करीबन 12 बजे के आसपास उनका पिथौरागढ़ पहुंचने का कार्यक्रम है और उसके बाद उनकी एक जनसभा है जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे, पिथौरागढ़ की जनता को संबोधित करेंगे। मैं आपको बताऊं, पिथौरागढ़ से प्रकाश पंत प्रतिनिधित्व किया करते थे, लेकिन मई जून के महीने में उनका देहांत हो गया। उसके बाद उनकी पत्नी को चुनाव मैदान में उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने, चंद्रा पंत को मैदान में उतारा है और कांग्रेस ने अंजू लुंठी को उतारा है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारक हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो आज पहुंच रहे हैं पिथौरागढ़ में और पिथौरागढ़ की जनता से वो बीजेपी के लिए और चंद्रा पंत के लिए वोट मांगेंगे। प्रकाश पंत के जो काम है उनका हवाला दिया जा रहा है इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कि जो पिथौरागढ़ की जनता के लिए प्रकाश पंत ने योजनाएं बनाई थी वो अधूरी हैं और उनको पूरा करने के लिए बीजेपी के उम्मीदवार जो है चंद्रा पंत, उनको वोट दिया जाए ताकि पिथौरागढ़ के लिए जो योजनाएं प्रकाश पंत ने सोची थी उसको मूर्त रूप दिया जा सके। तो आज प्रचार का आखिरी दिन है और आखिरी दिन बीजेपी अपनी ताकत लगाएगी प्रचार में। ये उपचुनाव है, 25 तारीख को ये चुनाव होना है। जी। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी आज शामिल होने वाले हैं मनमोहन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। बिल्कुल, पिथौरागढ़ से चमोली के दौरे पर मुख्यमंत्री जाएंगे और देवाल एक क्षेत्र है जहां पर औद्योगिक और सांस्कृतिक मेले का वो शुभारंभ करेंगे। औद्योगिक और सांस्कृतिक मेले को अगर हम समझने की कोशिश करें तो जो कुटीर उद्योग हैं या जो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में छोटे छोटे उद्योग हैं, छोटे छोटे व्यवसाय हैं, उनको एक मेले के शक्ल में आयोजित किया गया है और वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, पहाड़ी कार्यक्रमों की झलक वहां पर दिखाई देगी। तो दो बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। पहला तो प्रचार में वो पहुंचेंगे पिथौरागढ़ और उसके बाद चमोली जिले जाएंगे जहां पर वो औद्योगिक और सांस्कृतिक मेले का शुभारंभ करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका मनमोहन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।